हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे कि मैं भी ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। जानेंगे आपके डीएम की लाइफ में चल क्या रहा है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं ये भी पता लगाएंगे, और आगे चलकर क्या एक्शन आपके पर्सन लेंगे, और करंट चैलेंज क्या आया हुआ है आपके कनेक्शन में राइट नाउ। तो ये सारी बातें जानेंगे और डिवाइन किस तरह से गाइड करेंगे आपके कनेक्शन के लिए आपको ये भी पता लगाएंगे। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर करे। शुरू करने से पहले गाइस बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुंचे आप देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। Trapped in fear, number 8. Awareness, number 1. Rest and resonate. Okay, ये कुछ कार्ड्स आ गए हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है अभी। थोड़ा सी सिचुएशन अभी प्रॉब्लमेटिक है। देखो, अभी जो रीसेंट पास्ट गया है उसमें दिख रहा था कि कुछ अचीवमेंट्स हासिल हुई है, कुछ अच्छा कुछ नया प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है। ऐसे कुछ आपके लिए, आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी आ रहा था वो कुछ इस तरीके से आ रहा था, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा हो सकता है कि ये एनर्जी अब ऐसी क्यों दिख रही है, ऐसा हो सकता है जो भी नया प्रोजेक्ट या जो भी नया शुरू हुआ है आपके पर्सन की लाइफ में वो थोड़ा सा अभी इनके लिए टफ है, ठीक है। और इनको एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है। जो भी कुछ भी नया स्टार्ट किया है, इन्होंने नई जॉब या नया बिजनेस अचीवमेंट तो है वो, लेकिन अब उसको मैनेज करना भी तो एक टास्क है ना, तो थोड़ी सी यू नो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और ये पर्सन अपने ना स्पिरिचुअल पाथ में भी आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है, देखो यहाँ पे भी ये कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ दुआएं मांग रहे हैं, यहाँ पर ये सॉरी बोल रहे हैं। तो ये इनसे पास्ट में जितनी भी मिस्टेक हुई हैं अब तक लाइफ की, ये डिवाइन से माफ़ी मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि ये अपने वर्क में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लैरिटी मिल रही है, तो इसीलिए अब जितना भी इनसे जाने अनजाने में चीज़ें गलत हुई हैं उनके लिए ये सॉरी बोल रहे हैं, ताकि आगे इनको इनके कर्मा क्लियर होकर आगे ये अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकें, सेलिब्रेशन कर सके, ठीक है। अवेयरनेस तो वैसे काफ़ी बढ़ रही है इनको अपनी ज़िंदगी को लेकर, क्या सही किया क्या गलत करा, ठीक है, डिफरेंस आराम से ये निकाल पाते हैं। और तो जो जो इन्हें बातें अपनी गलत लग रही है, तो ये चाहते हैं कि उस चीज़ के लिए ये डिवाइन को सॉरी बोलें, ठीक है, अपोलोजाइज करें, और इसीलिए ये इस जगह से निकल सकते हैं, ठीक है। ये जो ट्रैप हुए हैं अभी, ये अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। तो ये ना अपने लाइफ के हर एक एक्शन को भी अभी देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि कितना सही किया कितना गलत करा, उसी के अकॉर्डिंग सॉरी भी बोल रहे हैं, डिवाइन को माफ़ी मांग रहे हैं। क्योंकि देखो, बदल तो पाएंगे नहीं पास्ट, लेकिन अपोलोजाइज कर सकते हैं। बाकी अपने कनेक्शन में सही से आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आगे इनको पछतावा ना हो, रिग्रेट ना हो, सेलिब्रेट करें, खुशी से अपनी ज़िंदगी जिएं, ठीक है। ऐसे दिख रहा है यहाँ पर, तो ये चल रहा है इनकी लाइफ में कुछ अभी। डेस्टिनी, ये आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ मैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। डेस्टिनी, लव बिगेन्स, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, मेमोरीज ऑफ लव एंड नंबर 6 अगेन, 66 मास्टर नंबर। पेशेंस का कार्ड है, पेशेंस तो देखो रखा हुआ है इन्होंने। आपके कनेक्शन में भी इनको थोड़े से चैलेंजेस दिख रहे हैं, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस हैं यहाँ पर भी अभी, लेकिन फिर भी आपसे तो बहुत प्यार करते हैं। देखो, अपना डेस्टाइन पार्टनर मानते हैं, आप ही से शादी करेंगे, आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। तीनों कार्ड्स कितने खूबसूरत हैं इस प्रिडिक्शन में। यस गाइज, ये पर्सन आपको अपने डेस्टाइन पार्टनर मानते हैं। ये वाला कार्ड मैरिज कार्ड है, ये द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड है, और ये
एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो मैरिज कार्ड होता है। तो शहनाई तो ये आप ही के घर यू नो बैंड बाजे के साथ आएंगे और यस आपको डेस्टाइन पार्टनर मानते हैं और आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। लेकिन इनको अभी ये चीज़ें दिख रही है कि थोड़े मुश्किलें हैं यहाँ पर आपके साथ। देखो बिताया हुआ हर एक पल याद है, माइंड में एकदम अच्छे से याद है कि क्या क्या कहा, क्या क्या एक दूसरे के साथ बातें शेयर करी है, सब कुछ याद है बहुत अच्छे से। तो आपको लेकर तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है अपने कनेक्शन को लेकर आपके पर्सन। लेकिन इन्होंने जो पास्ट में कुछ चीज़ें बिगाड़ी हैं ये उन्हें ठीक कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने पर्सनल इश्यूज रिजॉल्व कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं कि पैनिक मत होना, परेशान मत होना, ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। और अगर आपको पता है कि आपका ये अनकंडीशनल ट्रू लव है तो फिर आपको भी पैनिक नहीं होना चाहिए, अच्छे से मैनिफेस्ट करना चाहिए। ओके अब देख लेते हैं आप दोनों की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स अभी क्या है राइट नाउ। आप दोनों इस टाइम अपने अपने कर्मों में लगे पड़े हो, अपने अपने एक्शन लेने में लगे पड़े हो ताकि आगे चलकर जो भी कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में है वो भी खत्म हो जाए और आप एक अच्छी जिंदगी एक साथ बिताएं। दोनों अपने अपने वर्क में बिजी हो गाइस, अभी तो यही चीज दिख रही है, यही फीलिंग्स हैं। आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द फ्री हो जाएं एंड देन एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी बिताएं खुशी खुशी, ठीक है। तो अभी दोनों के पास ही वैसे इतना टाइम नहीं है कि आप डिस्कस करें, बातें करें, फीलिंग शेयर करें, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कुछ रिलीजियस फैक्टर की वजह से भी इशू बन सकते हैं, ये चीज़ें आजकल काफ़ी आ रही है, बट रोमांटिक फीलिंग्स हैं आप दोनों को एक दूसरे के लिए। फाइनेंसेस और करियर तो बना ही हुआ है एक इशू, बट रिलीजियस फैक्टर भी है यहाँ पर जो इशू बन सकता है। तो यस ये मना लेंगे, जो भी है आप भी मना लोगे, अपनी फैमिली को आपके पार्टनर भी मना लेंगे, काम किस लिए कर रहे हो एक दूसरे पर या खुद पर, ताकि जो भी इशू है वो सब खत्म हो जाए। तो आप दोनों हीलिंग ही में अपनी हीलिंग प्रोसेस में ही लगे हुए हो और अच्छा ही कर रहे हो, सो डोंट वरी। ये चैलेंज तो वैसे मेरे सामने आ गया है बट मैं यहां से भी देख लेती हूँ क्या करंट चैलेंज है। फ्री नहीं कर पा रहे खुद को, जैसे देखो आपके पर्सन भी ट्रैप्ड हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, आप भी अपनी खुद की ओवर थिंकिंग की वजह से ट्रैप्ड हो रहे हो, तो वही चीज़ हो रही है। आप दोनों एक दूसरे को ना फ्री नहीं कर पा रहे हो, मतलब खुद को भी फ्री नहीं कर पा रहे हो इन प्रॉब्लम से, बार बार ओवर थिंकिंग करते हो और एक चीज़ को ज़्यादा ही सोचते हो, ये है करंट चैलेंज, ठीक है। और आपको लगता है कि आप दोनों को ऐसा फील होता है कि आपका देखो सोल कनेक्शन है, ये तो आपको ऑब्वियसली फील होगा अगर ये हम ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन के लिए ही बात कर रहे हैं तो। लेकिन फिर भी ना आपको ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो और जो चीज़ें बहुत माइनर हैं उसको मेजर लेवल पर आप दोनों सोचते हो, तो ये ओवर थिंकिंग ज़्यादा मुझे एक मेजर कॉज लग रहा है आपके कनेक्शन में, ये नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं एक बार, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे आपके पर्सन इस कनेक्शन के लिए। एक कार्ड आ गया हमारे पास, टू ऑफ पेंटिकल्स, काफी ज्यादा सोच रहे हैं कनेक्शन के बारे में। ओ वाओ सन, ये तो एक अच्छे आउटकम पर जाएंगे, एक अच्छा आउटकम लेकर आएंगे। हर्मिट एंड फाइव ऑफ वांड्स, ये देखो लड़ भी लेंगे, ठीक है, इस कनेक्शन के लिए लड़ भी लेंगे, हर एक वो चीज करने के लिए रेडी हैं जिससे कि इस कनेक्शन को विक्ट्री मिले, क्योंकि सन कार्ड हमारे पास है। तो ये इनका नेक्स्ट एक्शन बहुत सॉलिड हो सकता है, इस कनेक्शन के फेवर में होगा। ओके सो डोंट वरी गाइस, ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन इतने आसान नहीं होते हैं, चैलेंजेस तो होते ही हैं यहाँ पर। कार्ड आ गया क्वान यिंग, चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक and faith. Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. Yes. यहाँ पे आपको काम रहने के लिए, खुद को चार्ज करने के लिए और सबसे प्यार करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आपके माइंड में अच्छे थॉट्स आएं
और आपको काम रहना इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ, अपने अंदर की अच्छाई और दूसरों की अच्छाई पर ट्रस्ट करें और इस संसार में रोशनी ही देखने की कोशिश करें, ठीक है, डार्कनेस नहीं। और जितना हो सके अपने आप को चार्ज करें, ये तो आपको करना पड़ेगा, आपके पर्सन भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए, ठीक है। तो थोड़े बहुत चैलेंजेस आए हुए हैं, बट इट्स ओके गाइस, ठीक है। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, आगे भी सब कुछ अच्छे के लिए होगा। आपका कनेक्शन काफ़ी हील हो चुका है और जल्दी ही हील हो रहा है, आगे चलकर बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए और आपका रिकन्सिलिएशन भी हो जाए इस पर्सन के साथ, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।